ये सोशल प्राणी सुभाष मंडी है ही, कोई हम उनकी जगह पे नहीं लगा रहे, उन्होंने बल्कि अपनी दुकानें 20-20 फुट आगे बढ़ा ली सरकारी फंड के ऊपर ही, उन पर इतराज़ किया जाए, उनकी दुकानें भी उठवाई जाएगी वहाँ से ही, और हम उनकी जगह पे नहीं है, हम सरकारी फंड के ऊपर लगा रहे हैं। ये 100 साल पुरानी ये जिम्मेदारों की मंडी है, इतराज खा रहे हैं, हमारे सामान में फेंक देते हैं जी, हमें लगाने दे रहे, तंग कर रहे हैं, हम कहते हैं शांतिपूर्वक हम मंडी लगाते रहे, और यही हमें प्रशासन से हुए। सुभाष मंडी में सब्जी विक्रेताओं और करियाना दुकानदारों के बीच छिड़ी जंग, सब्जी विक्रेता पहुंचे उपायुक्त दरबार, लगाई गुहार। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के नजदीक सुभाष मंडी में हर सोमवार सब्जी विक्रेताओं द्वारा मंडी पिछले 20 सालों से लगाई जा रही है, लेकिन अब मंडी में करियाना व अन्य सामान के बड़े दुकानदार सब्जी विक्रेताओं को मंडी लगाने से मना करने लगे हैं, जिस कारण सब्जी विक्रेताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए आज सभी सब्जी विक्रेता कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय उपायुक्त से मिलने पहुंचे। उनका कहना है कि वे पिछले 20 से 22 सालों से सब्जी मंडी लगा रहे हैं, दुकानदार उनका सामान उठाकर फेंकने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब एक महीने से इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, इससे न केवल सब्जियां खराब हो रही हैं बल्कि उनका हजारों का नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि दुकानदारों द्वारा मंडी में रेत बजरी डाल दी गई है, जिससे कि अब कोई जगह मंडी में नहीं बची जहां सब्जी बेच सके। हफ्ते में मात्र सोमवार को ही 5 घंटे के लिए मंडी लगती है, जिसमें मात्र 200 से 400 रुपए कमाई होती है। उन्होंने उपायुक्त सहित मुख्यमंत्री राज्य मंत्री को भी इस मामले में ज्ञापन दिया है। उनकी मांग है कि उन्हें वहीं मंडी लगाने दी जाए। जैसे भाई ने बताया कि आज जो है फिर सोमवार मंडी लगने वाली है, तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लग जाए, जिसको 2-4 बंदों को परेशानी है हम उसकी दुकान से भी साइड में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, पीछे काफ़ी जगह पड़ी है, वहाँ से थोड़ी सफाई करा के हम वहाँ पीछे कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लगती रहे। कितने साल से लगा रहे हैं? 20-22 साल से हमारा मंडी लग रही है वहाँ पे जी, मैं गुजारा चला रहे जी, कमा के खाने वाले। ये सरकारी फंड है, ये 100 साल पुरानी सुभाष मंडी है, कोई हम उनकी जगह पे नहीं लगा रहे, उन्होंने बल्कि अपनी दुकानें 20-20 फुट आगे बढ़ा ली सरकारी फंड के ऊपर जी, उन पर इतराज़ किया जाए, उनकी दुकानें भी उठवाई जाएगी वहाँ से जी, और हम उनकी जगह पे नहीं है, हम सरकारी फंड के ऊपर लगा रहे हैं। ये 100 साल पुरानी ये जिम्मेदारों की मंडी है, ठीक है जी, उनके ऊपर लगा रहे हैं, इन पर ये इतराज खा रहे हैं, हमारे सामान में फेंक देते हैं जी, हमें लगाने दे रहे, तंग कर रहे हैं, हम कहते हैं शांतिपूर्वक हम मंडी लगाते रहे, और यही हमें प्रशासन से हुए। हमारी सोमवार की मंडी लगती है सुभाष मंडी, वहाँ पे ना कुछ 3-4 दुकानदार है जो हमारे को लगातार 5-6 सोमवार से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो वहाँ रास्ता रोकना शुरू कर दिया, अपनी गाड़ी रेडे दी, भाई ये कुछ तोड़ फोड़ करे और तुम इनका नाम रख दो। लेकिन चलिए, संति प्रिया कम कमा के खाने वाले हैं डेली के, तो इन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। उससे बाद हम डीसी साहब को मिले पिछले सोमवार, ज्ञापन दिया, डीसी साहब ने हमारे को भरोसा दिया भाई आप मंडी लगाओ, आज बुलाए एक बार मिलने के लिए, अब मिलते हैं। उससे बाद चौकी इंचार्ज के पास गए जी, उन्होंने 112 नंबर बुलाई, हम वहाँ पे गए, चौकी इंचार्ज ने कहा भाई आप यहाँ 20-22 साल से बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप एक बार डीसी साहब से लिखवा लो, उससे बाद आपको कोई यहाँ से उठा नहीं सकता। लेकिन हम आज भी अपनी सेफ्टी के लिए फिर यहाँ आए हैं कि मंडी में किसी भी तरह का हुआ ना हो। कितने साल से मंडी लग रही है? कम से कम 20 साल से लग रही है। और जो रोक रहे हैं वो कौन है? वो वहीं के कुछ दुकानदार हैं, दो तीन दुकानदार हैं, सिर्फ दुकानें तो वहाँ काफ़ी हैं, लेकिन 2-3 बंदे का इतराज है, और उन्होंने वैसे ही है, बसवानी साहब हमारे पक्ष में है, कोई ऐसी बात नहीं है सर। क्या परेशानी? आप लोग सफाई वगैरह नहीं करते, ऐसा कुछ होता है क्या? देखो, सफाई के लिए हमने स्पेशल वहाँ स्वीपर रखा हुआ है, हर फड़ी से 20-20 रुपया जाता है, ऐसी बात नहीं है सर, बिल्कुल सफाई होती है वहाँ, कोई ऐसी बात नहीं, मतलब शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी, शांतिपूर्वक। कहाँ कहाँ आपने ज्ञापन दे दिए? सर, हमने डीसी साहब को दिया, हमने मुख्यमंत्री साहब को भी दिया, राज्य मंत्री को भी दिया, हर तरीके से। तो उसके बाद भी सुनवाई नहीं? उससे बाद में अभी कोई सुनवाई नहीं। आज सोमवार का दिन है, तो आज क्या वहाँ का माहौल रहेगा, और आप आज मिलने आए हो? आज वहाँ के माहौल को मद्देनजर रखते ही हम पहले यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी हम किसी तरह को हल्ला नहीं चाहते, किसी तरह कोई नहीं, ये रोज ऐसे हर 4 घंटे के लिए काम होता है, 5 से लेकर 9 बजे तक या 10 बजे तक, उस 5-4 घंटे के लिए जब हमारा सामान खोलने का टाइम होता है उसी टाइम वो हल्ला करते हैं सर, आधी सब्जी खराब हो जाती है, क्यों सब्जी है तो घंटे बाद रंग बदलती है जी, ये कोई रेडीमेड सौदा नहीं है सर, उससे बाद बहुत लॉस हो रहा है लगातार, 7 सोमवार 200 कमाने पता नहीं कमाने वो घटा देने इन भाइयों ने, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमारी मंडी लग रही थी ऐसी शांति से मंडी लगती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे भाई ने बताया कि आज जो है फिर सोमवार मंडी लगने वाली है, तो क्या चाहते हैं प्रशासन से?
सर हम ये चाहते हैं जो हमारी मंडी वहीं लग जाए, जिसको दो चार बंदों को परेशानी है हम उसकी दुकान से भी साइड में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, पीछे काफ़ी जगह पड़ी है वहाँ से थोड़ी सफाई करा के हम वहाँ पीछे कर लेंगे। हम ये चाहते हैं हमारी मंडी वहीं लगती रहे। कितने साल से लगा रहे हो? 20-22 साल से हमारा मंडी लग रही है वहाँ पे जी, भी गुजारा चला रहे जी, कमा के खाने वाले हैं। ये सरकारी फंड है, ये 100 साल पुरानी सुभाष मंडी है, कोई हम उनकी जगह पे नहीं लगा रहे, उन्होंने बल्कि अपनी दुकानें 20-20 फुट आगे बढ़ा ली सरकारी फंड के ऊपर जी, उन पे इतराज किया जाए, उनकी दुकानें भी उठवाई जाएगी वहाँ से जी, और हम उनकी जगह पे नहीं है, हम सरकारी फंड के ऊपर लगा रहे हैं। ये 100 साल पुरानी ये जिम्मेदारों की मंडी है, ठीक है जी, उनके ऊपर लगा रहे हैं, इन पे ये इतराज उठा रहे हैं, हमारे सामान में फेंक देते हैं जी, हमें लगाने दे रहे, तंग कर रहे हैं, हम कहते हैं शांतिपूर्वक हम मंडी लगाते रहे, और यही मैं प्रशासन से हुए जन